एमएमएस न्यूज़ 24 की हमारी टीम महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर मुंबई में आ पहुंची है। हमारे साथ एक से एमएलए यूसुफ साहब मौजूद हैं, जो मुंबई और महाराष्ट्र के एक बड़े मुस्लिम चेहरे हैं। महाराष्ट्र का जो चुनाव है, जो पिछला इलेक्शन जो चुनाव था, उस चुनाव में कांग्रेस, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार की एक साथ चुनकर सरकार बनाई थी, लेकिन एकाएक सरकार चलती रही और एकनाथ शिंदे के माध्यम से बीजेपी ने सरकार ख़त्म करते हुए अपनी सरकार बनाई। उसके बाद दौर बदलता गया, कई नेता इधर से उधर गए और इसी बीच जो 2023 का इलेक्शन जो आया लोकसभा का, उस दौरान कांग्रेस पूरे देश में, महाराष्ट्र में बड़ी तेज़ी से उभरी और 30 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने, अब 20 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया और महाराष्ट्र में फिर वापसी की। सबसे पहले तो आपका एमएमएस न्यूज़ 24 में स्वागत है। जी 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 सर, ये बताएं कि इलेक्शन आपने लड़ा और उस इलेक्शन में और आज के जो अभी चुनाव का जो दौर चल रहा है पॉलिटिकल, जो कभी कोई नेता इधर से आता है, कभी कोई नेता इधर से उधर जाता है, इन सभी के बीच जो लोगों का एक जो रुझान होता है, वो पॉलिटिकल जो लोग होते हैं पॉलिटिशियन, उन पॉलिटिशियन में लोगों का एक जो एक ईमानदारी, जो लोगों की पहचान होती है, वो कहीं ना कहीं एक आम लोगों में कम हो जाती है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही बात है। आपको एक पार्टी ने टिकट दिया, वहाँ से चुनकर भेजा, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस पार्टी से वफादारी करो। अब देखिए, एकनाथ शिंदे साहब के साथ में जो लोग गए, जो एनसीपी शरद पवार के लोग चले गए और धोखा देकर मतलब अपनी गवर्नमेंट बना ली और वहाँ बैठे हैं, तो उसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। एक तो ईमानदारी की कमी, वफादारी की कमी, प्लस डर, खौफ, एजेंसीज का डर, और इनको तोड़ा गया है, इनको मजबूर करके इनको वहाँ से तोड़कर एक साथ जोड़ा गया है। तो ये आजकल इसीलिए सियासी लोगों पर लोग भरोसा नहीं करते, उनके उनके कैरेक्टर पर, उनके कंडक्ट पर सवाल उठते हैं, तो इससे माहौल ख़राब हुआ है। लेकिन अब जो इलेक्शन हो रहा है उसमें कांग्रेस, यूबीटी और शरद पवार एनसीपी, वो बहुमत लेकर आ रही है और अब जो सरकार बनेगी वो बिल्कुल स्थिर सरकार होगी और यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई आदमी यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा। और ये सब जो ईमानदार लोग हैं, इनको आज इलेक्शन में लड़ रहे हैं, वो सब चुनकर आएंगे और चुनकर भारी मेजोरिटी से आएंगे और एक प्यारी सरकार, अच्छी सरकार बनने वाली है। और हमारा मुसलमान जो है महाराष्ट्र का, वो एक साथ महा विकास पार्टी को मजबूत करेगा, वोट देगा और कामयाब करेगा। अच्छा, जैसे असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, वहाँ उनके जो इम्तियाज़ जलील जो उनके नेता हैं, सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई थी, उसको लेकर मुंबई में एक बड़ा लवाजमा, एक बड़ी भीड़ लेकर आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर पॉलिटिकल रूप से देखें तो लोगों को एक ही लगता है कि आप जैसे नेता हैं उनके साथ जो आता है। तो अब ऐसे में जब भी चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी जो सीटें जो यहाँ पर हैं, कई सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका इफेक्ट होगा क्या लगता है? बिल्कुल नहीं होगा। मुसलमान बहुत ही समझदार है। तुम मज़हब का सहारा लेकर, अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की बात कर अपना फ़ायदा करना चाहते हो, ये बहुत ही निंदनीय बात है, इसको कंडेम करना चाहिए। मज़हब तो होता है, मतलब उसको, आपका जो फेथ है, आपका जो मज़हब है, उसको पालने के लिए होता है, उस पर अमल करने के लिए होता है, उसका फ़ायदा उठाकर अपने लिए वोट मांगने के लिए नहीं होता। ये तो हमारे मज़हब में बिल्कुल सख्त ममानियत है कि आप आगे बढ़कर लोगों को कहो कि मुझे चुनो लीडर बन के, बल्कि मना किया गया है कि आप पीछे रहो। लीडरशिप करना कोई मतलब मज़हबी काम नहीं है, ये तो इससे रोका गया है, कैसा मत करो आप। और ये तो बार बार मतलब कस्में खा कर और अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की बात कर वोट मांगते हैं, तो इससे तो घटिया कोई काम हो ही सकता नहीं है। इसको अल्लाह भी पसंद नहीं करेगा कि आप अपने फ़ायदे के लिए, अपनी पार्टी के फ़ायदे के लिए कौम का और मज़हब का सहारा लेते हो, बहुत गलत बात है। इसीलिए 99% मुसलमान इस पार्टी को पसंद नहीं करता, ऐसी बातें बिल्कुल गलत है। अच्छा, जो पार्लियामेंट में जो पिछला लोकसभा चुनाव जो हुआ, उस दौरान जो स्थिति थी कांग्रेस की या आपकी पूरी जो महाविकास आघाड़ी है, अब क्या लगता है आपको, क्या स्थिति रहेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी की पोजीशन बहुत ही मजबूत थी और मजबूत होना भी चाहिए क्योंकि बहुत ही प्यारी, अच्छी पार्टी है। लेकिन इस बार इलेक्शन में जो अलायंस करना पड़ा,
उससे बहुत सारी सीट छोड़नी पड़ी, जिससे कांग्रेस को नुकसान होने वाला है। जबकि कांग्रेस 30 सीट लड़ती थी बम्बई से और कम से कम 22-17-18 MLA चुनकर आते थे, इस बार हम लोग सिर्फ 10 सीट लड़ रहे हैं। तो जाहिर बात, अगर 10 सीट लड़ रहे हैं तो 5-6 सीट आने वाली हमारी, तो इससे 36 में से 6 सीट आए तो भारी नुकसान हमको होने वाला है। लेकिन अगर UBT जीतती है, NCP तो सिर्फ वही कम सीट लड़ रही है, तो इससे हमारा बॉम्बे का स्कोर थोड़ा कम होगा। लेकिन बाकी महाराष्ट्र में माहौल अच्छा है, वहाँ से अच्छी सीट आएंगी। और हमारा जो, मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो गठबंधन है महाविकास में, सबसे ज़्यादा सीट कांग्रेस की आने वाली है। अच्छा, जो बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ था, उसके बाद कई लोगों के नाम आए, कई लोगों की चर्चा भी हुई कि मतलब किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं लोग कहीं ना कहीं टारगेट हैं। तो क्या इस चुनाव में, जो विधानसभा जो चुनाव हो रहा है, इस इलेक्शन में क्या लोगों को लगता है कि उस उनका जो मर्डर हुआ था, उससे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि बाबा सिद्दीकी के जो लड़के हैं, जिशान सिद्दीकी, वो एक नौजवान लड़का है, और जब इतना बड़ा हादसा उनके ख़ानदान में, घर में हुआ है, तो हर पार्टी को चाहिए था कि जिशान के सामने किसी को उम्मीदवार बनाना नहीं चाहिए था, उनको अनओपोज MLA बनाना चाहिए, ताकि मतलब ये एक अच्छी मिसाल कायम होती। इसके पहले इंदिरा गांधी जी ने ये किया है, उन्होंने पार्लियामेंट में BJP हारी या जंगसंघ थी वो हार गई, तब भी अटल बिहारी वाजपेयी को और अडवाणी को उन्होंने अपने कैबिनेट में शामिल किया और बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी। तो जिशान के सामने किसी को खड़ा करना, चाहे UBT हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शरद पवार की NCP हो, उनको उनका साथ देना चाहिए था, उनको अनओपोज इलेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि बहुत बड़े सदमे से वो गुजर रहा है। अच्छा, देश भर में जो माहौल बनाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का, क्या इसमें कमी आई है या माहौल में थोड़ा और इजाफा हुआ है? जी, जैसा जैसा इलेक्शन बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ये जहर का माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे। अब जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो हमको घुसपैठिए बोलता है, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले, कब्रिस्तान शमशान की बात करता है, मंगलसूत्र गाय भैंस की बात करता है, तो इससे तो माहौल ख़राब ही होता है ना। हमारा जो हिंदू है, जो 95% सेकुलर है, उसके जहनों को ख़राब करने के लिए और हिंदू मुस्लिम में डिवाइड पैदा करने के लिए ये जानबूझकर करते हैं लोग। लेकिन हिंदू भी समझदार है, वो भी समझता है, इसीलिए 400 की जगह सिर्फ 240 सीट आए ना। तो ये इनको भी मैसेज चला गया है कि आप प्यार की बात करो, जिस तरह राहुल गांधी करते हैं, प्यार की बात है, आप लोगों को जोड़ने की बात करो, आप तोड़ने की बात मत करो। हिंदुस्तान का हिंदू आवाम हमारी जो है, वो समझती है कि ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, इनको कोई मज़हब से लेना देना नहीं है। ये मतलब बिल्कुल अपने सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी बातें करते हैं, नफरत की बातें करते हैं, लोगों को एक दूसरे से लड़ाने की बात करते हैं। इसीलिए राहुल गांधी कामयाब हैं, उनका जो मैसेज था कि प्यार की दुकान खोलिए, वो मैसेज घर घर पहुंचा है और हर कोई उनको लाइक करता है, हर कोई उनको चाहता है, और ये फ्यूचर के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब पॉलिटिकल, जिन लोगों ने ज़मीन पर काम किया होता है, एक एक मतदाता को ज़मीन से, घर से जानने वाले होते हैं, और हर तरीके से जब जो लोग पॉलिटिकल का एक लंबा अपना वक्त बिताने के बाद जब भविष्य की बात करते हैं, तो राहुल गांधी को वो देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में भी देखते हैं। और न्याय यात्रा जो निकाली गई, मोहब्बत की दुकान जो चलाई गई, इसको लेकर भी महाराष्ट्र के चुनाव में कहीं ना कहीं इफेक्ट नज़र आएगा। नमस्कार।